मैं ममता उत्तमाल से बोल रहा हूँ। नमस्कार सभी देशवासियों को। इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। क्या पेट्रोल की गाड़ी में आप देखोगे तो 108 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, ये 15 रुपये में चल जाएगी 150 किलोमीटर। इसमें जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये वायु प्रदूषण बहुत ही कम मतलब होता ही नहीं है इससे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूचर है अपना, अभी आने वाले फ्यूचर में सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेगी। कितने सालों से आप यहाँ पर दुकान संचालित कर रहे हैं? 1 साल हो गया है। अच्छा, आपको 1 साल हो गया है, और आप क्या देखते हैं कि जैसे वायु प्रदूषण हमारे जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं ये निरंतर बढ़ाती जा रही हैं, और इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो प्रदूषण को बहुत ही कम कर चुके हैं, मतलब इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता और ये किफ़ायती भी बहुत है, तो आपके यहाँ पर कोई ऐसा कस्टमर है जो इसको यूज़ कर रहा है और वो बता दे इसके बारे में फ़ायदे? जी सर, ये है हमारे कस्टमर। इधर ही आ जाइए जी। आप कितने सालों से इसका उपयोग कर रहे हैं? सर मुझे 2 साल हो गए इस गाड़ी का यूज़ करते हुए। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और मतलब पहले मेरा मंथली फ्यूल का एक्सपेंस था 5 से 6 हज़ार रुपये और आज मेरा एक्सपेंस है 400 से 500 रुपये। मतलब मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि इंदौर जाऊँ या नहीं जाऊँ, मतलब डेली ही 100 से 125 किलोमीटर का रनिंग है मेरा। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। पेट्रोल गाड़ी जो थी पहले मेरे पास, उसमें हर 6 महीने बाद मुझे 700-800 रुपये सर्विसिंग के देना पड़ता है, तो अब वो खर्चा मेरा बच गया है। और बहुत ही अच्छा व्हीकल है, मतलब एक अच्छा ऑप्शन है पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है इस चीज़ को और इनिशिएटिव ले रही है ताकि दूसरे देशों पर जो भी डिपेंडेंस है पेट्रोल को लेकर वो कम हो सके और इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन सके। तो जो अभी यहाँ पर मिशन चालू हुआ है मिशन लाइफ, ये मिशन लाइफ है ही इसके ऊपर कि हम हमारी लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकें, तो आप देवास शहर के वासियों से क्या अपील करेंगे इसके लिए? मेरा तो यही मानना है कि सर देवास में मतलब ऑलमोस्ट 95% तो ईवी हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, साउंड पॉल्यूशन जो होता है वो भी कम होगा। आजकल जो गाड़ी आ रही है जिसमें हाई साइलेंसर आ रहे हैं, हाई वॉल्यूम साइलेंसर, वो भी थोड़ा नॉइस पॉल्यूशन करते हैं मार्केट में। तो ईवी का क्या रहता है सर, वो बहुत साइलेंट है, मतलब मार्केट में नॉइस नहीं होती उसको लेकर, और व्हीकल की सर्विस भी अच्छी है। और सबसे मेन तो यही है कि सबको पैसे बचाने हैं तो कॉस्ट एफिशिएंट है जी। तो आप ममता ऑटोमोबाइल